हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में हम क्या सीखेंगे, अलियास का यूज। तो चलिए आइए सीखते हैं। यहाँ पर एक कंपनी बनी हुई है, राम कंप्यूटर क्लास। अब अगर आप कोई स्टॉक आइटम बनाते हैं, जैसे मैंने स्टॉक आइटम पहले से बना रखा है, तो हम उसको अल्ट्रेशन मोड पे ले लेते हैं। यहाँ से जा करके स्टॉक आइटम पे जाते हैं और यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड ये दिया हुआ है और यहाँ पर अलियास लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपके में ये ना आ रहा हो तो इसको एक्टिवेट कैसे किया जाए, आपको उस कीबोर्ड से क्या करना है, कीबोर्ड से सिर्फ F12 की प्रेस करनी है। अब देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है जनरल डिटेल में, यहाँ पर आते हैं आप तो यहाँ पर यस ये आपको मिलेगा, ठीक है। अगर ये नो होगा तो आपके में ये अलियास ऑप्शन शो नहीं करेगा। तो इसको कैसे एक्टिवेट किया जाए, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए सेम वही तरीका, F12 प्रेस कीजिए और यहाँ Y रखिए, Y प्रेस करके एंटर प्रेस कर दीजिएगा, कंट्रोल A प्रेस कर दीजिएगा, तो अलियास ऑप्शन अब आपको दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे अलियास ऑप्शन आ गया। तो ये बड़ा आसान तरीका है अलियास को एक्टिवेट करने का। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आप अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल देते हैं अलियास में, तो आप न्यूमेरिक वैल्यू से भी अपने स्टॉक आइटम को सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास बहुत सारे स्टॉक आइटम हो तो आप अलियास के भी माध्यम से आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इसका यूज अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।